हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने मैसेंजर पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने मैसेंजर को लॉक कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। So, यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम मैसेंजर पे पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन पे आ जाइए और यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे ये रहा मेरा मैसेंजर और इस पे अभी कोई भी पासवर्ड नहीं है। इसे मैं ओपन करूंगा तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे ओपन हो जाता है। कोई भी पासवर्ड यहाँ पे अभी नहीं लगा हुआ है। चलिए अब आपके सामने में ही यहाँ पे मैं आपको पासवर्ड लगा के इसमें बताने वाला हूँ। तो इसमें पासवर्ड लगाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन में, इसके लिए आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये फोन के अंदर ही ये फीचर होता है, जितने भी नए फोन से होंगे उसमें ये फीचर रहता है। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है और उसके बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइवेसी, प्राइवेसी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप लॉक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। अगर आपने पहले ऐप लॉक का यूज नहीं किया है तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो आपको वहाँ पे पासवर्ड अपना एक बना लेना है, या फिर अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ है तो आपको वहाँ पे पासवर्ड डाल के एंटर करना है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इस सभी पर से जो टिक है उसे हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे लॉक पे क्लिक करना है, उसके बाद इधर यूज पे क्लिक कीजिए और अब यहाँ पे हमारे फोन के सारे एप्लीकेशन आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें मैसेंजर पे लॉक लगाना है, पासवर्ड लगाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे मैसेंजर सिलेक्ट करना होगा। चलिए मैसेंजर देख लेते हैं किधर है। तो ये रहा मैसेंजर, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐप लॉक के सामने इसे इनेबल कर देंगे और जैसे इनेबल करेंगे अब इसमें लॉक लग चुका है, पासवर्ड लग चुका है। यहाँ से हम कट करते हैं और अब जब भी हम मैसेंजर को ओपन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा मैसेंजर, इसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता है। जब हम पासवर्ड डालते हैं तब ये ओपन होता है। तो आगे से जब भी कोई भी मैसेंजर ओपन करेगा तो उसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तभी ये ओपन होगा।